गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्ट कंसेप्ट इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। मार्केटिंग मिक्स में जो सबसे पहला पी होता है वो होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो बाकी के जो पी हैं उनका कोई भी यूज नहीं है। प्रोडक्ट होगा उसी के लिए आप प्राइस डिसाइड करोगे, प्रोडक्ट होगा उसी के लिए आप प्रमोशन डिसाइड करोगे, प्रोडक्ट होगा उसी के लिए आप प्लेस डिसाइड करोगे कि कैसे जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो जो प्रोडक्ट है, जो ये पी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से सारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो चलता है। तो जो मार्केटिंग, जब हम बात करते हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो किसके लिए कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम कर रहे हैं कस्टमर को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर की जो नीड है उसे सेटिस्फाई करने के लिए। और जो कस्टमर की नीड है वो सेटिस्फाई किस चीज़ से होगी? प्रोडक्ट से। तो जो ये चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट व्यूज रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। एक अगर नॉर्मल पर्सन से पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है तो वो फिजिकल प्रोडक्ट की बात करेगा कि जो ब्रेड, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ नज़र आ रही है टेंजिबल फॉर्म में, वो प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसी को हम एक मार्केटर के व्यू से देखेंगे या एक कस्टमर के व्यू से देखेंगे या एक इकोनॉमिस्ट के व्यू से देखेंगे तो सबका जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो प्रोडक्ट का मतलब है वो चीज़ जो आप ऑफर कर रहे हो मार्केट में कस्टमर की अटेंशन के लिए, उसकी एक्विजिशन के लिए, प्रोडक्ट की एक्विजिशन के लिए या उसके यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए जो किसी वांट और नीड को सेटिस्फाई कर पाए, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बंडल ऑफ यूटिलिटीज मतलब एक प्रोडक्ट जो है उसकी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी यूटिलिटी है, उसका एक जो यूटिलिटी का बंडल है उसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। जो वेरियस प्रोडक्ट फीचर्स और सर्विसेज जो उसके साथ आपको मिल रही है उस फॉर्म में हो सकता है। तो जो कस्टमर जब प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी को बाय कर रहा है जो उसे सेटिस्फाई करेगी, जो उसकी वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो एक जो बायर है वो बाय करता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का मिक्सचर जो वो प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट को डिफरेंट वेज में देखा जा सकता है, जैसे अभी हमने बात की। अब एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर की नीड्स को। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्ट बिल्डिंग ब्लॉक है मार्केटिंग प्लानिंग का, क्योंकि शुरुआत ही मार्केटिंग प्लानिंग की प्रोडक्ट से होती है। और जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रल पॉइंट है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ऑपरेशंस कर रही है उसके लिए। तो जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल कमोडिटी भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज भी हो सकता है जो कस्टमर की नीड्स और डिजायर को सेटिस्फाई करेगी। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है, ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, नेसेसिटीज, लग्जरीज, एग्रीकल्चरल, मिनरल, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज, स्पेशलिटी, कन्वीनियंस। हम डिफरेंट बेसिस पे जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब जो भी चीज़ आप खरीद और बेच रहे हो मार्केट में उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू W. एल्डरसन, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस फीचर्स एंड अकॉम्पनिंग सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू W. एल्डरसन, एक जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज है जो वेरियस, जिसमें फीचर्स होते हैं और जो उसके साथ सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, असेंशियल्स क्या है, फीचर्स क्या है एक प्रोडक्ट के? सबसे पहला है
टेंजिबल एट्रीब्यूट। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट का, दैट इज टेंजिबिलिटी। इसका मतलब कि आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, फिजिकली फील कर सकते हो आप उसको। वो किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, पर्टिकुलर शेप, साइज, कलर, डिजाइन में हो सकता है, जैसे साइकिल, फ्रिज, एक्सेट्रा। देन इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कोई सर्विस आप अगर ले रहे हो तो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, लोन आपने लिया, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सारे भी प्रोडक्ट्स हैं। द नेक्स्ट इज एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट है उसके कुछ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, जिससे आप उसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, या साथ में जो आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो गया, पैकेज हो गया, वारंटी हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में। जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब के प्रोडक्ट्स को डिफरेंट आप डिफरेंशिएट कर सको, उसके लिए ये हेल्प करते हैं। और एक जो प्रोडक्ट है उसको अलग इमेज देते हैं कंज्यूमर के माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, LG, BPL, Philips, सोनी, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं। देन नेक्स्ट इज योर एक्सचेंज वैल्यू। प्रोडक्ट चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू होती है। जो देकर, जो वैल्यू एक्सचेंज करके आप प्रोडक्ट को परचेज और सेल करते हो। जो बायर और सेलर है वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो प्रोडक्ट है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने की। जो वैल्यू वो उसके लिए पे कर रहा है कस्टमर, वो वैल्यू उसके लिए क्यों पे कर रहा है? वो वैल्यू पे कर रहा है क्योंकि वो उसकी नीड को सेटिस्फेक्शन देगी, उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगी। और वो सेटिस्फेक्शन रियल और साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई आइसक्रीम खरीदते हो तो आप उसका टेस्ट और फ्लेवर भी खरीदते हो। देन नेक्स्ट इज योर सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स। जो प्रोडक्ट है, नो डाउट हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर की नीड्स को उसे फुलफिल करना है, लेकिन साथ ही साथ उसे बिजनेस की नीड्स को भी फुलफिल करना है। और बिजनेस की नीड क्या है? बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट को जो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? टू अर्न प्रॉफिट। तो जो प्रोडक्ट है उसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये एसेंशियल फीचर्स थे जो एक प्रोडक्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने जैसे चैप्टर जब स्टार्ट किया, हमने तभी बात की कि जो आपके मार्केटिंग मिक्स हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रोडक्ट है। जो ये पी प्रोडक्ट का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्राइस, प्रमोशन, प्लेस कुछ भी आप नहीं कर सकते। और अच्छा प्रोडक्ट जो है वही की है टू मार्केट सक्सेस। प्रोडक्ट ही है जो पूरे मार्केटिंग प्रोग्राम को आगे चलाता है, सोसाइटी की, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करता है। तो क्या इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की? सबसे पहला है, प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग एक्टिविटीज में। जो भी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं आपकी, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रमोशन, सभी चीजें प्रोडक्ट के आसपास ही घूमती हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी परचेज नहीं कर सकते, कुछ भी सोल्ड नहीं कर सकते, कुछ भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लान। कोई भी मार्केटिंग प्लान बिना प्रोडक्ट के शुरू नहीं हो सकता। प्रोडक्ट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप कोई भी अदर पी के लिए काम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज आल्सो एन एंड। मेन ऑब्जेक्टिव जो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज का है, दैट इज कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। एंड फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोडक्ट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसे वो जब कंज्यूम करेगा तो उसकी जो नीड है, वांट है, वो सेटिस्फाई होगी। तो जो भी वेरियस पॉलिसी डिसीजन मार्केटर लेता है बेटर कंजम्पशन बेनिफिट्स के लिए, यूटिलिटीज के लिए, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, वो थ्रू प्रोडक्ट ही लेता है। तो जो प्रोडक्ट है वो एंड है
और बेस है कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन का. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज द की टू मार्केट सक्सेस. अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है तो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल है तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती है. तो प्रोडक्ट ही वो की है जो किसी भी कंपनी की सक्सेस डिसाइड करती है. नेक्स्ट इज योर सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट नीड. जो बेसिक नीड है कॉर्पोरेट सेक्टर की, दैट इज टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट. और जैसे कि हमने पहले ही बात की कि जब प्रोडक्ट के एसेंशियल फीचर्स हमने किए थे कि जो प्रोडक्ट है उसका एक एसेंशियल फीचर क्या होना चाहिए, कि वो बेनिफिशियल होना चाहिए बिजनेस के लिए. बेनिफिशियल होना चाहिए बिजनेस के लिए मतलब कि उसके लिए वो सेल्स वॉल्यूम जनरेट करे, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करे और उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करे, जो जरूरी है कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव वेपन. Nowadays, जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को यूज करती हैं एज अ कॉम्पिटिटिव वेपन. कोई भी कंपनी जब कम्पीट करती है अपने कॉम्पिटिटर से तो वो थ्रू अपने प्रोडक्ट ही करती है. वो प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगी या प्रोडक्ट को इतना क्वालिटेटिव बनाएगी या उसके जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं जैसे पैकेज, ब्रांड नेम, कलर, साइज, क्वालिटी, उनमें चेंज लाएगी और फिर वो अपने प्रोडक्ट को यूज कर रही है इस तरीके से एज अ कॉम्पिटिटिव वेपन. द नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट. जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई करता है नीड सोसाइटी की, तो एक तरफ तो जो कंज्यूमर है उसकी नीड को वो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोगों को दे रहे हो. तो प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट ऑल्सो. द नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर व्यू पॉइंट. सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट और एंड होती है कंजम्पशन पर. तो जो कंज्यूमर है वो हमेशा जुड़ा रहता है प्रोडक्ट से. प्रोडक्ट अफेक्ट करता है उसकी परचेजिंग पावर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, मेंटल सेटिस्फेक्शन को. तो जो कंज्यूमर है हमेशा उसकी यही कोशिश रहती है कि बेटर प्रोडक्ट उसे मिले ताकि वो अपनी नीड्स को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर पाए. नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस फ्रॉम सेलर व्यू पॉइंट. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो सभी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो प्रोडक्ट के आसपास ही घूमती हैं. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सेल करने के लिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आपकी जो भी बाकी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज है आप नहीं कर सकते. और सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज डिपेंड करती है प्रोडक्ट पर. तो जो इसीलिए जो आपकी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे LGM, BPL, टाइटन या जियो, ये सभी अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करने की कोशिश करती हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.